मैंने स्पीच पढ़ ली है, पूरी स्पीच मेरी मेमोरी में फीड हो गई है। इतनी जल्दी? How is it possible? शान, I mean, ये कैसे हो सकता है? बड़े आराम से, मेरा सिस्टम सुपर फास्ट है, शान ने बनाया है। What? ये कहना ये चाह रही मॉम कि आपके बारे में अब क्या याद करना? आपके बारे में तो कोई एक सेकंड में बता सकता है क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा। हालांकि बुरा तो कुछ है नहीं बस, और मैंने इसको फटाफट पेपर पढ़ना सिखाया ना कि शॉर्ट हैंड में कैसे पढ़ लेते हैं क्विकली और याद रखते हैं। एनीवे, हम वापस बोल रहे हैं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ओके? वाओ, वाओ सुरीली, क्या आइडिया बनाया है गणपति बनाने का, कैसे कर लेती हो तुम ये सब? बड़े आसानी से, तुम तो हमें जानती हो हम कैसे हैं। हमने सोचा कि ये इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए, चॉकलेट से बने हुए, और पता है इसका विसर्जन हम कैसे करेंगे? हम बड़ा सा टब लेंगे, उसमें बहुत सारा दूध भरेंगे और उसमें उनकी मूर्ति रख देंगे, और चॉकलेट सब मेल्ट हो जाएगा, तब बनेगा चॉकलेट मिल्कशेक। तो वो दूध हम गरीब बच्चों में बांट देंगे। मामी जी, रजनी, हम जानते हैं कि आप सब बेसब्र हैं ये जानने के लिए कि रजनी मामी जी की तारीफ में क्या स्पीच देने वाली है। तारीफ क्यों मैगी, कम ऑन, अगर रजनी को हमारे लिए कुछ बुरा भी बोलना हो तो वो बोल सकती है। कम ऑन, वो सच बोलने वाली है ना रजनी? All the best. जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना, ओके? ओके, गुड। इमरतियाँ, रजनी तो हड्डी कट्टी घूम रही है, तेरा काई जैसा पानी पीने से इसका पेट तक नहीं खराब हुआ, तबीयत तो दूर की बात है। मैं कहती थी ना रजनी कुछ तो है, लेकिन ये क्या है? बाबल जी, नॉट टू वरी, रजनी का राज सबके सामने हम खोलेगा। हेलो लेडीज एंड माय गॉड, इससे क्या हो गया? दिल के कोने कोने से सारी भड़ास निकाल कर लिखी थी मैंने उस स्पीच में, और ये रजनी कुछ बोलो बोलो। बाबल जी, हमको लगता है कि ये रजनी का आवाज जाने का रीजन हमारा वो केमिकल पोशन है। आई थिंक वॉइस बॉक्स और माइक्रोफोन के बीच का कनेक्टर खराब हो गया। माइक खराब होगा, मैं चेक करता हूँ। कितनी बार मना किया है रजनी, बर्फ के गोले मत खाया करो, देखो गला खराब हो गया ना। रजनी का गला खराब होने की वजह से वो स्पीच नहीं दे पाएगी। थैंक यू। ओ, गला खराब हो गया, स्पीच नहीं दे सकती, कोई नहीं। ओए मैगी बतर, एक काम करी, तू जाके स्पीच पढ़ दे। हाँ हाँ मैगी भाभी, कम। नहीं नहीं डैडी जी, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, किसी और का लिखा सम्मान मैं कैसे ले सकती हूँ? अच्छा चलो शर्मिला पुत्र, तू जाके पढ़ दे, शाबाश। डैडी जी, मेरा तो गला खराब है, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? यार तो अब ये स्पीच कौन पढ़ेगा? मेरे पास एक आइडिया है। जैसे हम दमशराज खेलते हैं ना, वैसे चाची चाचू को इशारे से समझाएगी और चाचू गेस करेंगे। ओए होए, शाबाश पुत्र, क्या आइडिया निकाला यार, वाह। यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी।
वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी तुम्हें पूरी स्पीच याद है? याद है, ओके। तो ठीक है, तुम इशारे में स्पीच बताओ, मैं वर्ड्स डाल के इन सब तक पहुंचा देता हूँ। ओके रेडी? हाँ शान, शुरू हो जाओ, हम हमारी तारीफ सुनने के लिए एकदम रेडी है। मेरी मॉम बहुत बड़े गुब्बारे की तरह हैं, जो कभी भी फट जाती हैं। मतलब? रजनी का कहने का मतलब है कि मेरी मॉम का दिल बहुत बड़े हॉट एयर बलून की तरह है, जिसमें सबके लिए हवा है। हवा, हवा, हाँ करेक्ट, रॉन्ग। हवा से मतलब है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें लाइफ में चाहिए होता है, तो यू आर द ऑक्सीजन फॉर ह्यूमैनिटी। या ऑक्सीजन फॉर ह्यूमैनिटी, यस यस, यही बोलना चाहती है रजनी। ओ वाओ, ग्रेट। मेरी प्यारी सासू स्टाइलिश हैं, नकचड़ी हैं, पत्ते खेलती हैं किटी पार्टी में, डोनेशन डोनेशन करती हैं सबको दिखावे के लिए। रजनी का मतलब है कि मेरी मॉम का दिल तो बहुत बड़ा है हॉट एयर बलून की तरह, इसीलिए वो बहुत डोनेशन करती है। और ये पार्टीज वार्टीज तो वो आप लोगों के लिए करती है आंटी, अदरवाइज शी हेट्स पार्टीज। वो डोनेशन करती है दिल से। इट इज राइट, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, सबको। मेरी प्यारी सासू मां, नहीं बस अब प्लीज, हो गया, स्पीच हो गया। नहीं और ओके, मॉम अपनी बहुओं को सबके सामने नहीं 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 रजनी का कहना है कि अपनी बहुओं को सबके सामने गले से लगाती हैं और बेटी समान प्यार करती हैं। यस रजनी, वी नो, मॉम सबसे बहुत प्यार करती हैं। बस बस, आज के समाचार समाप्त हुए, तालियां। मुझे लगता है सारी बहुओं की बैंड बजने वाली है। अच्छा, बस स्पीच खत्म हो गई। ये रजनी ने हमारा लिखा हुआ स्पीच क्यों नहीं पढ़ा? देखिए मामी जी, आपने गलत बहू को चांस दे दिया। उसने आपकी तारीफ तो छोड़ो, आपकी नाक कटा दी। सॉरी मामी जी। हमारे साथ जरा अंदर चलो। क्यों? काम है, चलो। काम 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 काम। तुम्हें भी सबके सामने ही क्रैश होना था। तुम्हें बनाने से ज्यादा डिफिकल्ट तुम्हारे लिए घटिया बहाने बनाना है। ओए, क्यों भैया? रजनी पुत्र को क्यों होया भाई? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा थक गई है ना, तो अभी ठीक हो जाएगी। ओए तुम लोग देख क्या रहे हो? एम्बुलेंस को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ठीक कर दूंगा। डॉक्टर से डॉक्टर है? अरे मैं ले जाके रिबूट कर दूं, मेरा मतलब है लैब में, मेरा मतलब है कमरे में ले जाके मैं उसे ग्लूकोज का पानी चढ़ाऊंगा, उसका सिस्टम रिबूट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, तो डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। अरे जरूर नहीं, मेरे पास ग्लूकोज है, पानी मिला के पिला दूंगा। डोंट वरी डोंट वरी, मैं ले जाता हूँ, डोंट वरी। यार तू किस तरह ग्लूकोज लगाएगा यार? अरे मैं ले जाऊंगा, डोंट वरी। ओए हां, उधर किधर जा रहा है? कमरा इस तरफ नहीं है? सॉरी सॉरी, कमरा नहीं आए। देखो साइंटिस्ट, ऐसे के पास हवा गुरु रखा करें भाई। हमने रजनी से क्या मांगा था? हमें बताओ हमारी क्या गलती थी? हम सिर्फ चाहते थे कि हमारी फ्रेंड्स के सामने वो हमारे लिए कुछ अच्छा बोले। इतना भी नहीं कर पाई वो।
कोई नहीं, चल ना। पर मैं ना रजनी पुत्र को अच्छे से पुत्र मत बोलो उसको प्लीज। अच्छा, मैं रजनी को जानता हूँ, वो इस तरह की बेफालतू की हरकतें कर ही नहीं सकती। तेरे को जरूर कोई गलतफहमी हो रखी। गलतफहमियां मैं नहीं तुम्हें हो रही, ये रजनी ने जानबूझ के किया हमारा इंसल्ट करने के लिए। वो हम रजनी को छोड़ेंगे नहीं। सारे जॉइंट्स गए हैं, ये देख जॉइंट्स के। ए, ये देख, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन लिक्विड कहाँ से है? मैंने तो नहीं डाला। और देख ये थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो रहा है, अगर ये स्प्रेड होके उसके सर तक चला गया, उसके नर्वस सिस्टम तक, तो विजन भी चला जाएगा। अबे आंख से ग्रीन पानी आने लगेगा, अरे बाप रे, बैंड बच जाएगी। डिटैचिंग फेस। मेरी बहन, क्या हाल कर दिया तूने मेरी बहन का? पागल, कोई अगर आ गया और रजनी को इस हालत में देख लिया तो तेरी बैंड बच जाएगी। लगा वापस लगा, मुंडी लगा। शट अप, 1000 बार देख चुका है। ओके। क्या करे? ये क्या है? ये ग्रीन। ऐसा लग रहा है किसी ने चटनी समोसा खिलाया तूने रजनी को। जान मुझे खाने को नहीं मिलता, मैं इसको क्यों खिलाऊंगा? मुझे नहीं आ रहा कि ये ग्रीन लिक्विड रजनी को पिलाया किसने यार, गया कैसे इसके अंदर? कैसे आया होगा? मैं बताती हूँ। बोलो। ये ग्रीन लिक्विड प्रसाद है। ये प्रसाद है क्या? केमिस्ट की दुकान पे गई थी पूजा में? ये मुझे अमू मामू और बुआ ने पिलाया है। जब से ये लिक्विड पिया है तब से मेरा सिस्टम एरर शो कर रहा है। मामू ने, मैंने तुम्हें मना किया था ना अमू बाबू के पास जाने से। शान, मैंने आपकी कमांड्स टू द टी फॉलो की है, यहाँ तक कि अमू मामू से 1 meter रेडियस का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन किया है। ये मुझे बुआ ने अमू मामू के कहने पर पिलाया है। मैं अमू मामू पे नजर रखनी होगी, लेकिन तुम अपनी नजर मत रखना उन पर, तुम अपनी नजर अपने सर के अंदर ही रखो, मैं रखूंगा नजर। वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओके ओके शान, शान प्लीज दरवाजा खोलो, शान प्लीज। अब मम्मी आ रहा हूँ, तू सर संभाल। ओके, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी कम ऑन। तुम भी तो कुछ करो, ऐसे ही खड़े हो। शान, बैठे बैठे जजमेंट पास मत कर। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरा गला दबा सकूं, पर तू तुझे लात मारने के लिए आई कैन ऑलवेज रिमूव टाइम। खोल दिया, खोल दिया, खोल दिया। रजनी, कम कम कम। ओए किधर है तू? शान, रजनी कहाँ है? कहाँ है? हमें उससे बात करनी है। रजनी, ये इधर है। रजनी, इधर है, ढकी हुई है बेचारी, शिवर कर रही थी बुखार के मारे, तो मैंने ढक दिया उसको। देखो सो रही है, तेरे को भी ना भड़ास निकालने का पिता चढ़ता है। चल हम बाहर ही चलते हैं पुत्र। हाँ रजनी, तुम सो रही हो क्या? नो मम्मी जी, सोने का फीचर मुझ में है ही नहीं। इधर सही आ रही है आवाज, वो इसके वॉइस बॉक्स में 7.1 चैनल सराउंड साउंड फीचर है। ए? मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो सिस्टम मैंने फिट किया है, इन्वेंट किया है, तो कभी कभी हमारी आवाज ऐसा लगता है लेफ्ट से आ रही है, ऊपर से आ रही है, पीछे से आ रही है, 3D में आ रही है। आवाज 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 आ रही है, आ रही है, आ रही है, इधर इधर। बस कर रहे रजनी, अब हमें बताओ, हमने जो तुम्हें स्पीच लिख के दिया था वो क्यों नहीं बोला, और हमारे बारे में गलत चीजें क्यों बोली? मम्मी जी, मैंने गलत स्पीच नहीं दी है, जो आपने मुझे दी थी मैंने वही पढ़ी है।
इधर से ही आ रही है आवाज। मामी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझ भी झूठ बोलने का फीचर ही नहीं है। ओके, तो तुम्हारा कहना ये है कि हमने खुद तुम्हें लिख के दिया कि हम गुब्बारे की तरह हाँ फूले हुए फूस हो जाते हैं। हाँ फूस भी हो जाते हैं। हाँ और वो भी बोला था भाई, वो किटी पार्टीज में जाके पत्ते खेलते वक्त ऐसे अपनी शो ऑफ नकचड़ी हाँ करती। हमारे दोस्त के सामने ये सब बोला तुमने? करेक्ट, ऐसा कैसे कह सकती है रजनी? मेरी मॉम के लिए मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मॉम यू वेट एंड वॉच। रजनी तुम्हें ऐसा मॉम के लिए नहीं। बेवकूफ साइंटिस्ट, इस तरह जनानी पे हाथ उठाते होते हैं? अरे जरूरी है, क्यों बोला, क्यों किया? ये मर्द की आवाज में क्यों चिल्ला रही है? मर्द की नहीं, ये दर्द की आवाज है, दर्द की। इस पर ऐसे कोई हाथ उठाते हैं क्या यार? पता चल जाएगा रजनी में झूठ बोलने का फ्यूचर है क्या नहीं है। ये वही स्पीच थी जो हमने रजनी को लिख के दी थी। इस स्पीच में हमने सब अपने लिए अच्छा अच्छा लिखा था, जैसे मेरी सासू माँ बहुत। ये वो स्पीच नहीं है जो हमने रजनी को लिख के दी थी, उसने तो वही पढ़ा जो इसमें लिखा हुआ था। इसका मतलब है स्पीच किसने बदली? एक मिनट मैं भी तो देखूं सच। इट्स ओके, क्या देखना है इसमें, चलो जो रात गई बात गई। अमरीश इट्स वेरी लेट, चलो सोते हैं, हमें तो बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट चांद, गुड नाइट रोशनी, बाय। चलो रजनी पुत्र, तेरे इस बेवकूफ साइंटिस्ट पति और अब सुरीली की तरफ से ना मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। खोते था पुत्र, ये नानी ते हाथ उठा दे। साले कमीने, मार मार के मेरा मजिया बना दिया। ओए रजनी कित्थे है तू? लड़ जा जल्दी लड़ जा। ओए मर्दिया आना ना, उशिरा छे उधर ही बैठा रहे, एवी मारदा रहंदा। ओए रजनी की हो गया तेनू? वो शान, वो क्या हो गया हमारी घर की बहू को हमारी वजह से? आई मीन हमारे रहते हुए। ओ रजनी तू ठीक है ना? आप सोने दीजिए ना, रेस्ट करेगी तो बेटर फील करने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये नॉर्मल इंसान होता तो इसका कलर बदल जाता। नहीं बदला, मतलब इंसान नहीं है। अगर ये एलियन होता तो इसको कुछ नहीं होता, लेकिन हो गया, मतलब एलियन भी नहीं है। ये है क्या? वैसे शानु बाबू, ये रजनी को हुआ क्या है? पता नहीं, ये तो आप ही बताइए। हमसे मतलब हमसे का? आपके पास इतना सारा केमिकल का दुकान है। हाँ। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा दवाई हो जिससे रजनी ठीक हो जाए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। हम देखेगा, अपना बैग में देख के बताएगा। बाबा जी हमको जाना चाहिए, रजनी को आराम करने देते ना। चलिए चलिए। अच्छा शान,
तू ध्यान रखी हा? मैं आऊंगी। सोचने वाली बात ये है कि अमू मामू ने पहले रजनी को केमिकल पिलाया, रजनी की हालत बिगड़ी, और अब अमू मामू आए हैं रजनी का हाल पूछने और बोल रहे हैं कि उसकी तबीयत क्यों क्या हुआ। कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में, फाइंड आउट करना पड़ेगा।